तो मैं इनके बालों में अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ वाटर। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कटिंग करें, सबसे पहले फ्रेंड्स आप उसे अच्छे से भिगोइए। जितना ज़्यादा आप पानी देंगे फ्रेंड्स, उतना ही क्लियर कट आप लोग कटिंग कर पाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे ट्रायंगल्स हटा लिए हैं, अब मैं कटिंग करने वाली हूँ। फ्रेंड्स जो सेंटर में हम लोग कटिंग करेंगे वो इस तरह से कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हाथ को हमें सीधा रखना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो कटिंग होगी उसके बाद आप मेरे हाथों को देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी गाइडलाइंस बन गई। उसके बाद आप देखिएगा जब भी हमारे हाथ होंगे वो थोड़े टेढ़े से होंगे, वो सीधे नहीं होंगे फ्रेंड्स। यू कटिंग कभी भी सीधे हाथों से नहीं होता है, यू कटिंग हमेशा टेढ़े हाथों से ही होता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे फिंगर्स किस तरह हैं, छोटे छोटे सेक्शनिंग करके फ्रेंड्स आप लोग इस तरह हेयर कट कर सकते हैं। एक बार गाइडलाइंस अगर आप लोग को मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप लोग इजीली ये यू कट कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। सेम जो कटिंग हमने इस साइड किया अब हमें इस साइड करना है फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह हाथों में लेके फिंगर्स के बीच में हमें उस तरह से ही कटिंग करनी है फ्रेंड्स। हमेशा एकदम क्लीन सेक्शनिंग करना, ठीक है। अगर आप लोग जितने ही क्लीन सेक्शनिंग करेंगे फ्रेंड्स, हमारे जो कटिंग है उतने ही सुंदर और उतने ही ज़्यादा निखर आएंगे। फ्रेंड्स जब भी आप यू कटिंग करें या कोई भी कटिंग करें फ्रेंड्स, स्टेप कट छोड़ के, तो फ्रेंड्स हमेशा इस स्ट्रेटनर को इस तरह से पकड़े, इससे हमारे बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स देखने में। आप लोग देख सकते हैं मेरी कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे रीचेक करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अब मैं अगर देखूँगी कहीं भी छोटे छोटे बाल अगर रह जाएंगे तो मैं उन्हें एक समान एक लेवल में कर दूँगी फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं मैं कैसे रीचेकिंग कर रही हूँ, ठीक इसी तरह आप लोग भी रीचेकिंग कर सकते हैं। हमारा कटिंग जो है बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना।